नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं द इंडियन न्यूज़ में। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आज की एक बड़ी अपडेट जो कि हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ओलंपिक सुशील कुमार को खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने में जुट चुकी है पुलिस। जानिए किन सबूतों को दी जा रही है प्राथमिकता, आखिरकार दोस्तों क्या किया जाएगा अब सुशील कुमार के साथ। दोस्तों, बता दें कि पहलवान सागर धनगढ़ की हत्या के मामले में ओलंपिक सुशील कुमार व उसके खास सहयोगी अजय शेरावत समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच अब आरोप पत्र तैयार करने में जुट चुकी है। आखिरकार दोस्तों, फाइनली पुलिस आरोप पत्र तैयार करने के लिए तैयार होती है और सुशील कुमार के साथ क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। और आप भी चाहते हैं सुशील कुमार से संबंधित तमाम अपडेट जानना तो चैनल के नीचे एक लाल बटन देर का उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं। पुलिस आयुक्त SN श्रीवास्तव ने गत दिनों जांच संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आला अधिकारियों को इस मामले में अपनी निगरानी के मजबूत आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही ऐसे भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक व साइंटिफिक सहयोग को अहम साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करें। सागर धनगढ़ हत्या के मामले में अभी 10 से अधिक आरोपी फरार हैं जिन्हें पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी का कहना है कि उनकी तलाश में छापामारी जारी है। फरार आरोपी में कुछ सुशील के परिचित पहलवान व कुछ अलग अलग गैंगस्टर भी बदमाश हैं। क्राइम ब्रांच अब तक 4 मई की वारदात वाले रात द्वारा पकड़ने पर और जिस बेसबॉल बड़े से उसने सागर सोनू और अन्य पहलवानों को बेरहमी से पीटा था उस दोनों अहम सहायक को भी बरामद नहीं कर पाई है। इतना ही नहीं, सुशील को मोबाइल फोन को भी क्राइम ब्रांच बरामद नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि सुशील पुलिस कर्मियों, पेशेवर अपराधी अथवा कानून की किसी जानकारी से मार्गदर्शन मिलने पर इन अहम सबूतों को तोड़कर या तो जला डाला अथवा गहर पानी में फेंक दिया है। इन सबूतों के बरामद नहीं कर पाने से आगे कोर्ट में ट्रायल के दौरान सुशील को इसका फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, छत्रसाल स्टेडियम में लगे 10 CCTV कैमरों में मार पिटाई की पूरी तस्वीर कैद हो गई थी। घटना के बाद सुशील व अजय उक्त कैमरों की DVR को भी स्टेडियम से उखाड़ कर लेकर चले गए थे। ये भी अब अहम सबूत पुलिस इसे भी बरामद नहीं कर पाई है अभी तक। जानकारों की माने तो 10 दिनों तक रिमांड पर रखने के बावजूद भी इस सबूतों को बरामद नहीं करने पर पुलिस बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाती हुई नजर आ रही है। इससे कहीं न कहीं आरोपियों को लाभ मिल सकता है। घटना के 18 दिन बाद 23 मई को स्पेशल सेल ने सुशील व अजय को मोड़ा मेट्रो स्टेशन पर जिस स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया था वह स्कूटी महिला हेडबॉल खिलाड़ी वरुणी नेगी की है। पुलिस ने अब जानकार से उसका नोटिस भेजकर पूछताछ के जरिए बुला लिया गया है कि उनसे वक्त दोनों आरोपी की स्कूटी क्यों दी थी। घटना के एक दिन पहले जब सुशील व अजय उनके घर आए थे तब उसने पुलिस को उनके बारे में जानकारी क्यों नहीं थी। अजय के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में पता चला है कि वारदात के अगले दिन 5 मई की सुबह 10 बजे जब वह सागर को मौत हो गई थी, जानकारी मिलने के बाद सुशील के साथ स्टेडियम से भाग गया था। तब शुभम प्लस थाने के इंस्पेक्टर प्राप्त सिंह ने उसे 2 बार फोन किया था। पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने फोन क्यों बंद किया। दोस्तों, इसी तरह से सुशील कुमार से संबंधित आगे के अपडेट भी चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल के नीचे एक लाल बटन देर का उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और हमारा द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।